तो इतना गर्मागर्मी क्यों? आप देख सकते हैं यह धर्मामाद पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रबंधन समिति की बैठक है और नई कमेटी का गठन होना है, जिसमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा समिति को, साथ ही साथ पुराने समिति से जुड़े हुए लोगों को भी। सीआरपी को भी इसका विरोध का को भाजन बनना पड़ा, जब महिलाएं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आकर इसका सामना करने लगी और अपना विरोध उन्होंने जताया। आइए देखते हैं चमन त्यागी की रिपोर्ट। धर्मा बांध के एसएमसी अध्यक्ष, नवनिर्वाचित एसएमसी अध्यक्ष मोतीलाल रवानी जी से। मोतीलाल जी, आप बताएं कि पिछले बार भी आप अध्यक्ष थे और फिर दोबारा आप अध्यक्ष चुने गए हैं, पिछले बार जो आप अध्यक्ष थे उसमें क्या क्या काम किए थे स्कूल का? देखिए सर, मैं पिछले बार भी अध्यक्ष चुना गया था और अपने कार्यकाल में मैंने विद्यालय विकास का पूरा ध्यान रखा और जितना सरकारी सहायता मिली है उसका पूरा भरपूर उपयोग किया है। और पढ़ाई के प्रति हमारे शिक्षक, लॉकडाउन में थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन लॉकडाउन से पहले हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाई दे रहे थे। हालांकि चमन त्यागी की रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि वहां पर चुनाव हुआ और अध्यक्ष फिर महोदय उनको रखा गया, परंतु थोड़े ही समय के बाद फिर यह सूचना आती है सूत्रों के हवाले से कि इस चुनाव को रद्द कर दिया गया, कि ग्रामीण स्तर का विद्यालय है और बहुत गरीब और बड़े छोटे बड़े सभी घर के लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और यहाँ राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। नवनिर्वाचित सदस्य या जो भी अध्यक्ष बने हैं या बनेंगे या भविष्य में, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।